मैं मोनिका मेहता साइंस मिस्टर GSS लोगड़ अज थोनू पार्ट टू पौद्या नू जानो वाष्पीय उत्सर्जन की हुंदा फुल दे भाग की हुंदे हन इत्थे गलत लिखा गया भाग लिखना सी तां असीं देख सकते हां इस स्लाइड दे विच कि एक प्लांट दिखाया ठीक है उहदे विच जड़ां हैगियां मेन जड़ ते उस तों बाद प्राइमरी जड़ां और जेड़ा ग्राउंड तो उपर होएगा उन्हों की कहने तना पार्ट जितों पत्ते निकल रहे वो की होएगा गंड ते दो गंडा दे विचकार दी नो असी की कहने इंटर नोड कहने अंतर गंडा पिटियोल पत्ते दी डंडी अगर बड शिखर ते निकल दी है तो शिखरी बड साइड ते एंगल ते निकल दी है तो उन्हों एक्जिलरी बड कहने पत्ते नो असी की कमांगे ब्लेड कमांगे आओ असी होर जानिए पत्तिया वरे और तने दे भाग तने दे जड़े भाग होंदे सब तो बारला एपीडर्मिस होंदी है जिथों रूट शूट हो जाएगी और लीफ होंगे फ्लावर ठीक है ते कई बारी कंडे उगदे हैगे है तो जिथों कोई ब्रांच राइज होंदी है उसनू गंड कहने आ ते इन्हां दे विचकार गंडां दे विचकारली जगह नूं असीं की कहने आ अंतर गंडा इंटर नोड और वैसकुलर बंडल जिहड़ा कि पानी लैके जाएगा जड़ां तों पौधे दे हर भाग तक ठीक है उस जाइलम राही इह की हुंदा है वैसकुलर बंडल हुण गुरुता दा की प्रभाव पैंदा है जड़ां जड़िया जड़ा है और गुरुताकर्षण दे वल वधदियां हन तना की है गुरुताकर्षण तो परां जांदा है मीनस नैगेटिवली जियोट्रोपिज़म है और जड़ा की हुंदी है पॉजिटिव जियोट्रोपिज़म शो करदी है फिर है गया वाष्प उत्सर्जन सबनू पता है कि पत्तियां दी हेठली सतह ते स्टोमेटा हुंदे हन स्टोमेटा राही की होएगा पानी वाष्पी उत्सर्जन हुंदा है गया वाष्पीकृत हुंदा अस आओ असी एक किरिया करिए तुसी की करना एक पॉटेड प्लांट लेना उत्ते प्लास्टिक दा एक लिफाफा चढ़ा देना ते बन देना अगले दिन तुसी देखोगे अंदरों लिफाफे दे विच पानी दियां बूंदा नज़र आनगियां इस तो पता लगता है कि स्टोमेटा राही पानी दा उत्सर्जन होया मीनस ट्रांसपीरेशन हुई वाटर जिहड़ा हैगा एवेपोरेट करता है तुसी देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा राही जाती है ऑक्सीजन ते पानी की है स्टोमेटा राही बाहर निकलता तो जो असी देखते हाँ लिफाफे दे बाहर सानू पानी दियाँ बूंदा नज़र आती है स्टोमेटा गार्डसल पत्ते की हेठली सतह पर होंगे इस असी की कहने ट्रांसपीरेशन तुसी एक पॉटेड प्लांट लिया पॉलीथीन बैग नाल ठीक है टाई अप करता तो वाटर दे पार्टिकल तुसी पॉलीथीन बैग विच देखोगे दिस फिनोमिना इज नोन एज ट्रांसपीरेशन आओ असी करिए फुल दे भाग हैगे आ हरियां पत्तियां सेपल्स पेटल्स रंगदार पत्तियां स्टेमन नर पार्ट मेल पार्ट जिन्हां नूं केसर कहा जांदा और फीमेल पार्ट जिहड़े हैगे आ उन्हों क्या कहते हैं पिस्टल कार्पल ठीक है चलो आओ असी एक करके इन्हों अध्ययन करिए है लेबल किता चित्र फुल दे भाग ए बेटा असी थोनू छेवीं क्लास करा रहे हैं सेम ये क्वेश्चन दसवीं तक आता है फुल दे भाग ड्रॉ करो बारलियाँ जड़िया पत्तियां उन्होंने सैप्पल कहने डंडी होएगी ठीक है फुल दी सैप्पल की आ हरिया पत्तियां होंदिया केलक्स फिर पेटल्स जड़िया है रंगदार पत्ती है यह कीड़े मकौड़े नू अट्रैक्ट करन लई हुंदी है सब पेटल्स फिर है साढ़े मेल हिस्सा ठीक है पुकेसर जिन्हों कहने एदा फिलामेंट होएगा ते एंथर होएगा फिलामेंट मीनस तंतु एंथर नू परागकोश कहने दे विच परागकण हुंदे हैगे फिर इस्त्री केसर जिन्हों की असी स्टेमन कहने कार्पल ये तीन हिस्से होंगे स्टिगमा स्टाइल तो ओवरी ओवरी दे विच की होंगे अव्यूल्स होंगे एक फुल दे विच एक इस्त्री केसर हो सकता तो बहुत सारे की होंगे पुकेसर मेल पार्ट्स हरिया पत्तियां असी सैप्पल्स कहने और केलक्स भी कहने अनदर नेम और पैटल्स नू करोला भी कहने केलक्स करोला सैप्पल तो पैटल्स ठीक है दोबारा असं इन्हों अलग करके देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन
ਸਟੇਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭੁਕੇਸਰ, ਇਹਦਾ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੰਤੂ ਕਹਿਣਾ, ਐਂਥਰ ਨੂੰ ਪਰਾਗਕੋਸ਼ ਕਹਿਣਾ, ਪਰਾਗਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਗਕਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਾਰਪਲ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਿਗਮਾ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਓਵਰੀ, ਓਵਰੀ ਅੰਡਕੋਸ਼, ਸਟਿਗਮਾ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਵਿਊਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੇਬਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਭਰ ਕੇ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਚਿਪਕੇਨੀਆ, ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਜਾਂ ਕਾਰਪਲ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਿਗਮਾ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਓਵਰੀ, ਅੰਡਕੋਸ਼, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਊਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ। ਦੈਨ ਪਰਾਗ ਸਟੇਮਨ ਦੀ ਭੁਕੇਸਰ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ, ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਐਂਥਰ, ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੰਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਥਰ ਨੂੰ ਪਰਾਗਕੋਸ਼, ਪਰਾਗਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਾਗਕੋਸ਼ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਨਸੈਕਟਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਟਿਗਮਾ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਸ਼ਪੁੱਤ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਡਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੱਤੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਨਿਚਲੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗਾਰਡ ਸੈੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਮੈਟਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਗੈਰਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਸੈੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗਾਰਡ ਸੈੱਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਟੋਮੈਟਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਟੋਮੈਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਪਾਰਟ 2। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ।